नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने रेलवे NTPC 2024 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है। आज मॉक टेस्ट तीसरा करेंगे हम। पहला दूसरा चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी, और रेलवे से संबंधित प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और बाकी सारी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट 47 करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट थर्ड का क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये सिंपली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो तीनों फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन का, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये बराबर हो जाता है किसके, साइन 3 थीटा अपॉन 4। अभी देखिए, मैं इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। वहीं दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो कॉस का होता है, कॉस का भी सेम यही होता है, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा अपॉन 4। अब एक और फॉर्मूला सेम इससे रिलेटेड होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, ये बराबर हो जाता है हमारा टेन 3 थीटा के। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो इससे इस इन सेम क्वेश्चन जो है ये जिस फॉर्म में आ रखा है वो इन तीनों फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन कॉस के उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आया है। तो देखिए, इसके अंदर होता क्या है, हमें थीटा वो मानना होता है कि जिसमें 60 में से थीटा माइनस करे। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे हमने कॉस को क्या मान लिया, कॉस थीटा को 20 डिग्री, क्या मान लिया यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा हो गया 20 डिग्री। तो देखिए, कॉस थीटा ये आ गया, अब 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री हो गया, और 60 में प्लस कर देंगे 20 तो ये कितना आ गया, 80 डिग्री। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन इससे इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, इसका सीधा आंसर हो जाएगा कॉस 3 थीटा अपॉन 4। तो यहाँ पे कॉस 3 थीटा क्या है हमारा, 20 डिग्री, तो कॉस 3 थीटा ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो गया हमारा हाफ, और नीचे 4 पहले से था, तो ये 1/8, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/8। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना, आसान फॉर्मूले हैं। और यहाँ मैं तीनों बताने का मतलब ये था कि ये तीनों का पैटर्न जो है याद करते समय आपको ध्यान रहेगा, बस एक 10 थीटा में 3 थीटा आता है, नीचे कुछ नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, जिनका महत्तम समावर्तक जो है SCF, जिसको हम कहते हैं, वो 24 है। देखिए, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होते हैं ये, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की हम बात करें, सॉरी यहाँ पे बोला है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास ये, ठीक है, 999। और यहाँ बोलता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1000, ठीक है। तो अब आप देखना है कि यहाँ पे 24 का मल्टीपल ऐसा देखना है जो 999 के आसपास आता है। तो आप जैसे ही देखेंगे कि हम 24 को 41 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 984, जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए, आप या तो ऐसे कर लीजिए या आप इसको 999 को आप 24 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 24 से भाग देंगे आप तो आप इस तरीके से पहुंच जाएंगे। अगर हम 24 को 42 से गुणा कर दें तो ये आ जाता है हमारा 1008। तो ये सबसे बड़ी है ना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 24 इनका SCF, या ये सीधा बोला जाए 24 से विभाजित होती हैं। ये सबसे बड़ी 3 डिजिट ऐसी नंबर है जो कि 24 से विभाजित होने वाली है। अब इनका योग बता देना है, तो इनका योग हो जाएगा 8 4 12, 8 और 1 9, 9 और 1 एक सेकंड, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1992। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, 1992। अगर आप देखिए इसके अंदर एक चीज और, कि जब आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर डिवाइड मेथड के थ्रू आपने ये निकाल लिया 41, तो आप सिंपली देखेंगे कि इस 984 के अंदर अगर आप 24 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 1008 आ जाता है, जो कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 24 से डिवाइड होने वाली। तो इस केस में आप 24 से फिर दोबारा डिवाइड करके अपना टाइम वेस्ट एग्जाम में मत कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सभागार में
6898 विद्यार्थी हैं। अब देखिए ये 6898 एक नंबर दे रखा है आपको, इतने स्टूडेंट किसी ऑडिटोरियम के अंदर यानी कि बैठे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि कितनी रोज ऐसी होंगी कि जितने एक रो के अंदर देयर आर एज मैनी स्टूडेंट इन अ रो। देखिए मान लेते हैं कि कोई एक रो है, इस रो के अंदर एन स्टूडेंट है, ठीक है ना, और तो रो भी एन ही होनी चाहिए, ये रो भी कितनी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक एन। अगर एक रो में एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो एन नंबर ऑफ रो होनी चाहिए, तो ये हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब ये बराबर हो जाएगा एन इंटू एन के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर 6889, और बेसिकली हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए फोर डिजिट किसी का भी स्क्वायर रूट कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले तो देखिए इस दो दो का हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो नाइन आता है वो किसके किसके स्क्वायर में आता है, नाइन जो आता है वो किसके स्क्वायर में आता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि 68 के आसपास में स्क्वायर कौन सा है, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे आठ का स्क्वायर देखें तो कितना हो जाता है 64, और 9 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 81, ठीक है। तो जो इसके पास में छोटा वाला होता है वही हम लिख लेते हैं 8, ये दो बार 8 आ गया। अब आप यहाँ देखिए कि 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, और 9 जो आता है वो हमारा कितने पे आता है, 7 के इसमें। तो अब इसमें से दोनों में से कौन सा वाला सही होगा, इसको देखने के लिए सेकंड स्टेप हमारा होता है इनका डिफरेंस देखना। 64 और 68 में डिफरेंस है 4 का, ठीक है। 68 और 81 में डिफरेंस है हमारा कितना, 13 का, है ना। 68 और 81 में डिफरेंस है 13 का, तो सबसे कम डिफरेंस कौन सा है, ये वाला। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही 83 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यही होता है चार डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 83। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 83, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान था, बट आपको इसको ये क्वेश्चन लेने का मतलब इसीलिए था कि आपको ये बताया जाए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए आप इस 24 को हम लिख लेते हैं, प्लस ये जब इससे नीचे डिवाइड होगा तो ये 0.9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और जब हम इसको कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -6.9, ठीक है। तो आप देखिए 24 प्लस 0.9 और -6.9 में माइनस आ जाएगा, तो 24 -6 हो जाएगा प्लस 5, ठीक है ना। यहाँ पे 0.9 इससे कट माइनस हो जाएगा, तो -6 ही बचेगा। अब इस -6 और 5 गया तो 5 तो पूरा चला जाएगा, -1 बचा, तो 24 में से -1 अगर हम करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, ये 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, 23। तो इसका सही आंसर हो गया क्या हमारा, ऑप्शन सेकंड इसका 70 हो जाएगा, 23, ठीक है ना, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 5000 की राशि को कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको इसको दो तरीके से बताता हूँ। समझिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, PRT/100, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल को क्या करा गया है, दो भाग में बांट दिया गया। तो मान लेता हूँ पहले वाले भाग का प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, पहले वाले भाग को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, पहले वाले भाग को एक्स मान लूँ, और उसको कितने परसेंट के लिए दे रखी है, 5%, और कितने, 5 साल के लिए, ठीक है, अपॉन 100 प्लस कर लो यहाँ पे आप। फिर दूसरा वाला भाग कितना हो जाएगा हमारे पास, दूसरा वाला भाग हो जाएगा, अगर हमने एक पहले वाले को एक्स माना है तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 5000 में से ये x को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला 10% के लिए दे रखा है और ये भी 5 वर्ष के लिए अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि 5 साल के बाद ब्याज की राशि है 1750, ठीक है ना, ये हो गई 1750 ब्याज की राशि। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद x का मान निकालिए, और आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने में ही आपको लग रहा है कि यार ये क्या कर दिया हमने, कैसे सॉल्व करेंगे और क्यों करेंगे इसको, हम एग्जाम के अंदर इस तरीके से करेंगे तो हमारा सिलेक्शन तो हो गया, कितना घंटे कितने मिनट ले जाएगा ये, हमारे कितने क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो आपको इस तरीके से कई जगह पे सॉल्यूशन मिलेगा, आपको इससे सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करना है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले समझिए क्या कि ये कह रहा है कि 5 साल का जो ब्याज दे रखा है वो 1750 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना। एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल का हम इसमें ब्याज निकालते हैं तो एक साल का ब्याज हो जाता है हमारा कितना, 1750 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 350। ये क्या हो गया हमारे पास, 350 रुपये एक साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये 5,000 को क्या किया गया, दो जगह बांटा गया, दो जगह ब्याज पे दिया गया। साधारण एक का परसेंट ब्याज दर था 5%, दूसरे का था क्या 5-10%। तो इस 5-10% को मैंने 5+5 लिख लिया। अब आप देखिए कि इस 5,000 का मैं 5% निकालता हूँ, इसका अगर मैं 5% निकालता हूँ तो ये कितना होता है, इसका 5%, इसका 5% हो जाता है 250, 5,000 का। तो यानी कि ये 250 रुपये एक साल के अंदर जो ब्याज मिला, ये 350, ये 250 रुपये इस दोनों की वजह से आया होगा। किसकी वजह से आया होगा, इस 5% और इस 5% की वजह से ही आया होगा, ये 350 के अंदर 250 रुपये 5% की वजह से। तो अगर मैं इसमें से ये 250 रुपये हटा देता हूँ तो फिर भी आप देखिए कि ये 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये 100 रुपये ब्याज का जो एक्स्ट्रा मिल रहा है सालाना, वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस 5% की वजह से। किसकी वजह से मिल रहा है आपको ये, वो मिल रहा है आपको इस 5% की वजह से, ठीक है ना। इस 5% की वजह से एक्स्ट्रा आपको ये 100 रुपये मिल रहा है। तो देखिए आपकी इस 5% की वजह से आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो सम यानी कि प्रिंसिपल जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% यानी कंप्लीट होता है, तो इस 5% का अगर वैल्यू 100 दे रखी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये सीधा सीधा यहाँ से क्या हो रहा है, 20 गुना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 20 गुना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 100% यानी कि 2,000 रुपये। तो 10% पे दी गई धनराशि क्या है, 2,000 रुपये। आया बात समझ में। तो यही पूछा गया था कि हमको ये बताना है कि 10% पे साधारण ब्याज पे दी हुई राशि हमें निकालनी थी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 1, 2,000 रुपीज, ठीक है ना। ये है तरीका एग्जाम के अंदर सॉल्व करने का, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये विद इन सेकेंड सेकेंड के अंदर, 20 से 30 सेकेंड के अंदर भी आपका आंसर उससे भी कम टाइम में आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले मेथड से आपको नहीं करना, कई बुक्स में इसके सॉल्यूशन जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन के वो एक्स मान के किए होंगे, आपको उस सॉल्यूशन को नहीं समझना, आपको ये समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, एक्स ABCD का माध्य बिंदु। सबसे पहले तो मैं स्क्वायर बना देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ABCD स्क्वायर हो गया। AB का मिड पॉइंट है क्या, ये एक्स, ठीक है। अब वाई जो है एक पॉइंट है BC पे, इस तरीके से कि जो BY है वो एक तिहाई है किसके, BC के, ठीक है ना। BY क्या है, एक तिहाई है BC के। तो अगर BY एक है और BC 3 है तो YC कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2, ठीक है ना। YC कितना हो गया, 2, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई। तो देखिए BC की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, BC की लंबाई अगर ये रेशियो में मान लेते हैं तो BC की लंबाई आ जाएगी 3 यूनिट। तो ये स्क्वायर है तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी ना, सबकी वैल्यू, सारी साइडें बराबर होती हैं, यहाँ से यहाँ 3x हो गई, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा BX, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कर रखा है इन्होंने, एक ये लाइन जोड़ दी है, ठीक है। अब स्क्वायर है तो इसके सारी साइडें क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अब ये जो ट्राइंगल दे दिया है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का एरिया दे दिया है 300 सेंटीमीटर। कितना एरिया दे दिया, 300 सेंटीमीटर। अब हमें इस डायगनल की, जो ये AC डायगनल है, इस डायगनल की हमको लेंथ बतानी है कि इस डायगनल की क्या लेंथ होगी, इस AC डायगनल की लेंथ क्या होगी, ये हमको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस। अब बेस मैं इसको BY मान लूँ इंटू हाइट BX मान लूँ, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ये हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है ट्राइंगल का, जो कि किसके बराबर हो जाता है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है, हाफ हो गया। अब BY की अगर मैं बात करूं तो BY क्या है, x, और ये है हमारा 2x। तो BY हो गया हमारे पास x, ठीक है, और BX कितना हो गया हमारा, BX 1.5x, ठीक है ना, 1.5x दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, 300। अब आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ से इधर 10 आ गया पॉइंट हटाने से, 15 से ये दो बारी में चला जाएगा, कितना हो गया,
तीन, दो बारी में 30 और एक जीरो आ गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 20। तो यहाँ पे अगर हम जब इसको स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ गया क्या 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब ये लेंथ पूछता है क्या किस चीज़ की, एसी, और डायगनल जो होता है एसी का, अच्छा स्क्वायर का जो डायगनल होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप इनकी साइड देखिए, तो इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो इसकी कितनी आ गई 60, तो साइड कितनी आ गई स्क्वायर की 60, तो जो डायगनल होता है स्क्वायर का वो कितना क्या होता है, वो होता है रूट टू टाइम्स ए, ठीक है ना। अब साइड कितनी है 60, रूट टू सेंटीमीटर, यही क्या है डायगनल की लेंथ यानी एसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा 60√2 सेंटीमीटर। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन में आपको फास्ट लगा है तो आप स्लो कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी कई बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आप इसको भी जो है क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा वीडियो पॉज करके और दोबारा से सॉल्यूशन देखिएगा, लेकिन आपको ये समझ के जाना है, ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपको हर बार रेलवे के, हर टाइप के रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर सीखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखिए आप इसके अंदर अलजेब्रा के क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 35 दे दी है, एक्स प्लस वाई 5 दे दिया है, और एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 का जवाब पूछा गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब देखें तो वो किसके बराबर हो जाता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy, फिर आ जाता है x प्लस वाई, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 5, इसका क्यूब हो गया, इसकी वैल्यू दे दी है हमको 35 प्लस 3xy, x प्लस इसकी y की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ये हो जाएगा 125, माइनस कर देंगे यहाँ से ये 35 इधर आ जाएगा और 5 से 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर हम एक्स वाई की वैल्यू देखेंगे तो देखिए ये 90 हो जाएगा, 125 में से 35 जाएगा तो 90 हो जाएगा, और 15 से ये सीधा सीधा कितनी बारी में चला जाएगा, 6 बारी में, ठीक है ना। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 6। अब आप यहाँ पे देखिए x की पावर 4 और y की पावर 4 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख दें, ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए कैसे किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, तो इस प्लस 2xy से ये माइनस 2xy कट जाएगा, अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया सिर्फ। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x की पावर स्क्वायर प्लस y की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचेगा, तो हमने इसीलिए सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाया। अब देखिए x प्लस y का वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई है 6, तो 2 टाइम ये हो गया, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, अब ये 2 से एक्स वाई की वैल्यू 6 आ गई है और ये दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 25 हो जाएगा ये और ये 12 हो जाएगा, तो 25 में से 12 गया 13 और ये 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 72। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने के बाद आ जाता है हमारा 97, यही इसका सही आंसर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, उत्तर ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है 97, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 8 मेजों का लागत मूल्य यानी कि 8 टेबल का कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर दे दी है, वो 5 मेजों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर दे दी गई है, ठीक है ना। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ से आप लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, तो 5:8, तो यानी 5 की चीज को 8 में बेच दिया, सीधा सीधा 3 का मुनाफा हो रहा है 5 पे, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अब परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर लेते हैं, 5 से ये 20 बारी में चला जाएगा, तो 20 + 60 हो गया, तो 60% इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी थर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 150 मदों का माध्य 45 प्राप्त हुआ था, यदि गणना करते समय दो मदों का गलत लिखा गया हो, जैसे कि देखिए 150 आइटम थी कुछ, उनका एवरेज जो है मीन माध्य प्राप्त हुआ था 45, और लिखते समय क्या किया गया है कि एक 38
प्लस 46 है ना। ये दो नंबर ऐसे थे जो कि हमें लिखने क्या थे, वो लिखने थे हमारे को क्या नाम है आपका, एक सेकंड, 38 और कितना, एक सेकेंड, ये कितना था, 38 और के बजाय 83, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक सेकेंड मैं आपको ये दोबारा लिखता हूँ। यहाँ ये बोला जाता है कि 150 आइटम का माध्य जो निकाला गया वो 45 निकाला गया था, लेकिन लिखते समय एक गलती हो गई, जिसमें गलती ये क्या करी है कि 83 और 76 ये दो आइटम लिख दी गई, लेकिन हमें लिखना क्या था, इस 83 की जगह तो लिखना था 38 और इस 76 की जगह लिखना क्या था हमारे को 46, ठीक है ना। अब आई आपको बात समझ में, तो जब हम इसका जोड़ देखेंगे 83 और 76 का जोड़, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 159, ठीक है ना। और इसका अगर जोड़ देखते हैं हम योग, तो कितना हो जाता है 84। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें कि 75 नंबर अब हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम सम निकालते हैं इन दो आइटम का जो कि गलत लिख दी गई, 84 ही आना था उनका सम, लेकिन आ कितना गया, 159, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ आइटम से रिलेटेड चीज़ नहीं पूछी है, आपको सही माध्य निकालना है, तो हम इसमें सम पे फोकस करते हैं। देखिए 83 और 76 लिख दिया, लेकिन हमें 38 और 46 लिखना था, तो 149 आ गया, लेकिन आना कितना चाहिए था 84। तो अब कम कितना करना पड़ेगा हमें अपना माध्य, सही माध्य निकालने के लिए, 75। अब देखिए ये 75 नंबर किस में से कम होंगे, ये कम होंगे 150 आइटम में से, ठीक है ना, 150 आइटम में से कम होंगे। तो 75 में ये एक बारी और 75 से ये दो बारी, तो यानी कि कितना, आधा एवरेज जो है कम हो जाएगा। तो पहले एवरेज अगर 44, पहले एवरेज अगर 45 था, तो इसमें से आधा एवरेज कम कर देंगे, तो अब हमारा 44.5 माध्य आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर आ जाएगा 44.5, 44.5 इसका नया माध्य हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अनुपात दे दिया है माध्य और मीडियम, है ना, मीन और मीडियम का, किसी डेटा का 4:5, तो हमें रेशियो निकालना है किसका, मीन और मोड का। ये एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मीन मीडियम मोड का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मोड होता है वो बराबर हो जाता है किसके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप देखिए यहाँ पे मीडियन माध्य का जो हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5, ठीक है, तो 3 5 जा ये हो गया, 2 मीन, मीन कितना दे दिया हमारे को, 4 दे रखा है यहाँ से, ठीक है ना, तो 15 में से 8 गया, तो आ गया कितना हमारे पास, 7, ये आ गया मोड। अभी हमसे मीन और अनुपात पूछ रहा है किसका, मोड का, तो मीन कितना आ गया हमारे पास, मीन है 4 और मोड आ गया हमारे पास 7, तो 4:7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, 4:7। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक धनराशि दे रखी है ना, निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में बढ़कर वो 12,100 हो जाती है और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखिए एक ब्याज दर होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना होगा, तो 10% आपको पता होना चाहिए, सबसे इजी है ना, 10%। अगर 10% किसी की वार्षिक ब्याज दर है, तो वो 2 साल में कितनी हो जाएगी हमारी, 121, 3 साल में 1 ट्रिपल, ये इतनी हो जाएगी, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली दिख रहा है हमको ये 11 का है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 की चीज 11 हो गई, तो 2 साल में ये कितनी हो जाएगी, 100 से 121, और अगर मैं इसकी बात करूँ 3 साल में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000 से हमारे पास 1331, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे 1331, 121, तो आपको भी यहाँ साफ दिख रहा है क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात यह है कि ये देख के पता चल रहा है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर होगा वो 10% होगा, ठीक है ना, क्या है ये, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर अब आप चाहें क्या, अब आप चाहते हैं कि अगर इसको निकालना, तो निकालना नहीं सीखना है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे, कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना, यहाँ से 2 साल तक कोई चीज, कोई अमाउंट जो है धनराशि निवेश की गई, जो 2 साल के बाद हो गई इतनी, ठीक है, फिर यहाँ 3 साल, यानी कि यहाँ से ये 3 साल, यहाँ से ये 3 साल, ठीक है ना, यानी कि ये 1 साल इसके बाद, तो ये धनराशि कितनी हो गई, 1,3310। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 0 से ये 0 चला गया, ठीक है,
अभी यहाँ पे आप 1210 और 1331, तो इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा आपका 121, ठीक है ना, 121 का बढ़त आ जाएगा। ठीक है, अब ये 121 की बढ़त कितने पे हुई है, 1210 पे, ठीक है, इस वाले अमाउंट पे। अब हमें परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो ये देखिए ये 10 बारी में चला गया और ये यहाँ से एक चला गया, तो बच कितना गया, 10%। तो यही आ गया हमारे पास क्या, इसकी धनराशि, ओ ब्याज दर, सॉरी। तो देखिए ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया आपको कि ये तो 10% का था तो इस आसान था तो हमें दिख गया, लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है हर डेटा ऐसा ही नहीं आएगा इस बार, डेटा हो सकता है इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हो या फिर थोड़ा अलग हो, तो उस केस में आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि हम ब्याज दर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में समुद्र में कितना किलोलीटर पानी गिरेगा। तो देखिए आप यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए कि मान लेते हैं क्या कि नदी इस हिसाब से बह रही है, ठीक है ना, ये नदी बह रही है इसके अंदर, ठीक है, ये नदी का पानी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से ये जो चौड़ाई है इसकी, इस नदी की, वो 21 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये जो इसकी डेप्थ है, ये जो गहराई होगी जिसके अंदर ये नदी बह रही है, इस गहराई की जो है लंबाई 2 मीटर दे रखी है, ठीक है ना जी। अब आप देखिए कि ये जो नदी जो स्पीड से चल रही है वो ऐसे चल रही है कि 1 घंटे के अंदर जो है, 1 घंटे के अंदर वो नदी 5 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस कवर कर ले रही है। कितने, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 60, अगर मैं मिनट की बात करूं, सॉरी 60 मिनट यानी कि 60 मिनट के अंदर, तो ये हमारी कितनी होगी, 5000 मीटर। अभी मैंने कोई भी बात जो है अलग नहीं कही है, सेम बात कही है, बस यूनिट चेंज कर दी है, सेम बात कह रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे 10 मिनट के बारे में पूछा गया कि 10 मिनट में कितना पानी जो है समुद्र में मिल जाएगा, तो देखिए 10 मिनट में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने 6 से भाग कर दिया तो ये भी कितना आ गया, 5000/6, ठीक है ना। इतने मीटर पानी जो है 10 मिनट में, वो इतनी लंबाई पानी की दूरी तय कर लेगा वो पानी, ठीक है, इतना लंबा जो है यहाँ पे। एक तरीके से अब आप देखिए यहाँ पे कि ये एक तरीके से क्या हो गया कि एक क्यूबॉइड शेप आ गई। कैसे आ गई, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ तो हो गई हमारे पास ये लंबाई की जो पानी की जो चल रही है, जो कि आ गई ये हमारे पास, कितनी आ गई हमारे पास, 5000/6। ब्रेथ हमारे को चौड़ाई दे दी है 21, ठीक है, और हाइट जो होगी इसकी गहराई वो हो गई 2, ठीक है ना, ये हो गया वॉल्यूम। अब इसी की हमें वैल्यू निकाल देनी है। अब आप देखिए 2 से ये 3 बारी में चला गया, 3 से ये 7 बारी में चला गया, तो 7×5=35 हो गया 000, ये आ जाता है क्या, मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बराबर हो जाता है हमारे पास 1 किलो लीटर के, तो इसका आंसर आ जाएगा 35,000 किलो लीटर, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला, यानी कि दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 35,000 किलो लीटर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो ये आपको विजुअलाइजेशन दिमाग में हो जाना चाहिए, इसका एक को एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, आपको सिंपली यही चीज लिखनी है और यहाँ आपको आंसर निकाल देना है 2 स्टेप के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है यदि 2x+5y12 है, एक्स वाई की वैल्यू दे दी है। अलजेब्रा का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको खुद करना चाहिए लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। देखिए इसका जब हम होल क्यूब ले लेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाली फॉर आइडेंटिटी आ जाएगी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, 3ab फिर ए प्लस बी, ठीक है, ये आ गया इस प्रकार से ये आइडेंटिटी। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 दे दी है, 12 का क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, प्लस कर देते हैं, 3 2 6 और 6 5 30, तो 30 × xy की वैल्यू हमको 2 दे दी है। अब ये इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 12, यहाँ से 12 हो गई, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो 8x³+125y³, ये 12 का जो क्यूब होता है वो कितना हो जाता है हमारा, 1728, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 से 2 60 बारी में और ये 720, ठीक है,
तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ से 720 से 720 चला गया, बचा कितना, सिर्फ 8। तो 1008 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सही उत्तर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका 1008, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अगला। देखिए 62/5 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, 9 से ये दो बारी में चला गया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये 7 से इधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 16/5 प्लस 4 से ये 4 बारी में चला गया, 5 से ये 5 बारी में चला गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/5। देखिए इसमें हर जो है तीनों में बराबर है, तो ये 62 − 16 + 4, तो आप देखिए यहाँ से ये कितना, 16 − 16 और प्लस 4 को जब हम करेंगे तो −12 आ जाएगा, और 62 में से अगर हम देखें −12 को तो आ जाता है कितना हमारे पास, 50। तो 50/5 करें तो ये सीधा सीधा कितना आ गया हमारे पास, 10 इसका उत्तर आ गया, जो कि सही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है उसका योग दे, और उसका अंतर जो है क्रमशः 369 और 351 दे रखा है। कैसे, देखिए ये दे रखा है एलसीएम माइनस एचसीएफ जो दे दिया है हमको 369 दे दिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो हमको दे दिया है वो 351 दे दिया है। अब आप एक चीज देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम यहाँ से क्या एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते, जब हम इस दोनों को ऐड कर दें, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये वाली चीज जो आगे दे रखी है, जब हम इनको ऐड कर दें दोनों को, तो ऐड करने के बाद आ जाता है हमारा 720। ठीक है, दिख रहा है, अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो ये 360 आ गया, तो एलसीएम हमारा आ गया 360। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, कैसे, 369 में से 351 माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम माइनस कर देंगे तो एचसीएफ जो आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, देखिए एचसीएफ जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18। अब दो बार जब हम माइनस करते हैं तो ये दो बार एचसीएफ है, तो नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 9। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 9। ठीक है ना, अब आप इसको सॉल्व नहीं करना है, आप यहीं पे सीधा जब हम ये पहली वाली वैल्यू निकालते हैं तो प्लस करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और सेकंड वाली निकालने के लिए माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप देखिए जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है ना, वो बराबर हो जाता है किसके, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अब आप एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम देखिए 360, एचसीएफ आ गया 9। अब दो नंबर में से एक नंबर 72 दे दिया है और दूसरा नंबर हमको नहीं पता, ठीक है ना। देखिए ये 9 से कितनी बारी में चला गया, 8 बारी में, 8 से कितनी बारी में चला जाएगा, सीधा सीधा 45 बारी में। तो जो दूसरा नंबर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 45। तो सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 45। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। देखिए ये सेट का क्वेश्चन है, इसको मैं वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो आपको इसको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। अब इसको हिंदी में कैसे करेंगे ये मुझे नहीं आता, मैं आपको इंग्लिश में इसका बता देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है ए यूनियन बी इस सेट के अंदर, ये बराबर हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले सिंबल को कहते हैं इंटरसेक्शन, इस वाले सिंबल को कहते हैं यूनियन, ठीक है जी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया। अब एक चीज और मैं बताऊं कि अब यहाँ पे आप सिंपली पहले वैल्यू रखिए, देखिए कोई भी एक किसी एक को एक सेट मान लीजिए, तो मान लेते हैं इंग्लिश वाले के अंदर जो पास हुए उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो उसमें 55% बच्चे पास हुए। दूसरा किसमें, मैथमेटिक्स वाले को हम 35% मान लेते हैं जो पास हुए, ठीक है। दोनों में जो पास हुए वो कितने हैं, 20%।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 70%। तो 70% वो छात्र हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल ही किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, फेल हो गए, वो कितने हो गए, इस 100% में से अगर मैं 70% घटा दूं तो यानी कि ये जो 30% लोग हैं ये फेल वाले हैं। कितने हैं ये फेल वाले, इसी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ये हमको वैल्यू दे दी है 1200। यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी है, 1200, ठीक है। तो ये कितना गुना यहाँ से दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 40 गुना। कितने गुना हो गया ये हमारा, ये 40 गुना हो गया है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने परीक्षा में देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना, जो कि ये हमने माना हुआ है। तो एक की वैल्यू 40 है तो 100 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी 40 गुना। तो 4000 अभ्यर्थी थे जो उन्होंने परीक्षा दिया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000 स्टूडेंट जो थे उन्होंने एग्जाम के अंदर बैठे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो ये एक फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलिएगा नहीं, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन या इससे ये तीन वाला फॉर्मूला भी है जो मैंने आपको यूपी के एग्जाम में आया था शायद, तो यूपी वाली जो अभी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल के, उसमें मैंने आपको ये शायद तीन वाला, तीन इसके अंदर आ जाते हैं सेट्स, तो उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैंने आपको इस फॉर्मूले से ही कराया था, तो आप उसकी वीडियो भी जरूर देखिएगा, ये तीन वाले में भी आ जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं आपको दो फॉर्मूले समझाऊंगा, हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस फॉर्मूले को पढ़ा तो है लेकिन लगाते कैसे हैं इसको समझा नहीं है अभी तक, उनको समझ में भी नहीं आया। तो मैं आपको इसका दो फॉर्मूले बताऊंगा इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लेके, जिसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले परमानेंटली आपके ब्रेन में बैठ जाए, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 100 से और 200 के बीच में, जब भी यहाँ पे आप देखिए बिटवीन बोला जाए बीच में, तो हमें ये नंबर को इंक्लूड नहीं करना होता, इसके बाद का नंबर और इसके पहले का नंबर वहां तक ही हम सीमित रखेंगे, ठीक है। तो हमें उन संख्याओं का योग निकालना है जो 12 से कंप्लीटली पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है ना। तो देखिए 100 के बाद, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 12 से अगर आप 12 का पहाड़ा यानी टेबल देखेंगे, तो 12 को अगर आप 9 से करेंगे गुणा तो कितना आ जाता है हमारे पास, 108। तो यानी कि 100 से जस्ट ऊपर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 108, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब इसको 12 से आप टेबल में जाएंगे तो एक नंबर आता है कितना, 192। तो ये आपको कितनी बारी में आ जाएगा, ये 12 से एक बारी में चला गया, और कितनी बारी में चला जाएगा ये आपका, एक सेकेंड, 12 से 6 बारी में 72 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 192, ठीक है ना। ये 192 नंबर लास्ट नंबर है जो 200 से नीचे है, जो कि 12 से कंप्लीटली विभाजित है, 16 बारी में आएगा ये हमारा। तो देखिए ये नंबर हो गया हमारे पास ए एन, सबसे ए फर्स्ट, सबसे पहला नंबर, और ये वाला नंबर हो गया हमारे पास एन नंबर। अब इसके बीच में कितने नंबर आएंगे ये हमें नहीं पता, और ना ही हमको निकालना है, बस हमको ये पता चल जाए कि कितने नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं, ये हमें नहीं निकालना, ये हमें एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, बस हमें ये पता चल जाए कि ये जो एन की वैल्यू है कि इसके अंदर बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 12 से विभाजित है, ये हमें पता करना है। तो देखिए इसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन जो है nth नंबर, यानी कि जितने भी नंबर उसमें उस सीरीज के अंदर मौजूद है वो उसका नंबर है। तो अब हमारे पास ये नंबर तो नहीं पता हमको n, तो ये हमारे को पता है लेकिन ये आखिरी नंबर है सबसे लास्ट, तो ये आ गया हमारे पास 192। ये a जो होता है सबसे पहली संख्या होती है जो हमको पता है कितनी आ गई है, 108। अब n हमको नहीं पता लेकिन d हमको, हम d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि उनके बीच का अंतर दो लगातार संख्याओं का। तो देखिए 12 से विभाजित हो रहा है तो ये 108 आएगा, तो अगला टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा, अगला टर्म हमारा 12 से 10 बारी में करेंगे तो 120। तो इनके बीच का जो अंतर है 12, ऐसे करते करते 12 12 बार जाएंगे, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब यहां से हमको n निकालना है, तो देखिए 192 में से 108 घटा देते हैं, इस वाले
वाले 12 से हम इसको विभाजित कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एन माइनस वन बचा, लेकिन इस माइनस वन को मैं इधर ले जाके प्लस वन कर देता हूँ, ठीक है ना, सीधा सीधा। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, आप ये देखिए, तो ये हमारा 84 टाइम्स में आ जाएगा ना, 84 में से अगर हम 108 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 84, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 12 से भाग कर देंगे प्लस 1, तो ये 12 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये हमारा 7 बारी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n हमारा 7 + 1 8, तो यानी कि 8 ऐसी संख्याएं हैं 100 से 200 के बीच में जो 12 से विभाजित है, ठीक है। अब इनका सम निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, सम जो होता है नंबर्स का वो होता है n अपॉन 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, 2 टाइम्स पहली संख्या प्लस n माइनस 1 बीच का कॉमन डिफरेंस n, ठीक है ना। अब यहाँ पे n आपको पता ही है, इनके बीच में जितनी संख्या है वो होती है, तो 8/2 हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स हमारी पहली संख्या, तो 2 × 108 ये हो गया, प्लस n जो है हमारा क्या है, ये संख्या है, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, और d हमारा कॉमन डिफरेंस इन दोनों के लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, तो हर जगह बराबर रहता है, तो ये कितना है यहाँ पे 12, ठीक है ना। तो देखिए, 2 से ये 4 बारी में चला जाएगा, ठीक है, और 108 को जब आप करेंगे तो ये 216 आ जाता है, और ये करेंगे तो हम 12 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 84, ठीक है। अब ये 6 × 4 = 10 हो गया, 8 × 1 = 9 = 10 हो गया, 2 × 1 = 3, ठीक है। तो 300 × 4 कितना हो जाता है, 1200। तो यही है क्या, सारी संख्याओं का योग जो कि 100 से 200 के बीच में आएंगी, जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 1200, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दिया है मैंने और धीरे धीरे समझाया, ताकि आपको एक बारी में ही इसके दो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एपी का, जो वो आपको समझ आ जाए। अब क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन जीपी से संबंधित आया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, तो उसके भी जो भी दो फॉर्मूले होंगे वो भी अगले किसी क्वेश्चन में या सेट में आएगा तो उसको भी समझ लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको एपी जीपी भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तो वो फॉर्मूले भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर देखिए आप इस 150 को कैसे लिख सकते हैं, इस 150 को आप कुछ एक सेकंड, इस 150 को हम इधर से लिख लेते हैं, इस हमें करना क्या है, 150 − 54 − 24। देखिए इस 150 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अगर हम बोले 25 और 6 से, है ना, 25 × 150 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 9 6, और इसको हम 4 6, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं ना, 150 का फैक्टर। तो आप देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर रूट कर लें यहाँ पे, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट कर लें, तो बाहर 5 आ जाएगा इस 25 का, अंदर 6 बच गया। यहाँ 9 है तो बाहर 3 आ जाएगा, अंदर 6 बच गया। यहाँ 4 है तो बाहर 2 आ जाएगा, अंदर 6 बच गया। 3 × 2 = 5 होता है, 5 में से 5 गया, तो ये कम्प्लीटली आ गया कितना, 0, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर किसी कार्य शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ए ने 40 दिन में किया, बी ने उसी कार्य को 60 दिन में किया, और सी ने उसी कार्य को 80 दिन में किया। अब क्या काम किया ये नहीं पता, तो इसको हम मान लेते हैं क्या कि कुल कार्य जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा किसका, 40, 60 और 80 का। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाता है कितना, एलसीएम आ जाएगा 240। ये आपको पता होना चाहिए, इजी वाला है, ये आसान वाला है। तो 240 यूनिट आपका 60, 40 और 80 का एलसीएम होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये तो इनको पूरा काम करना है, तो 40 दिन में 260 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, 6 यूनिट, ये इनकी कार्य कुशलता आ गई, एफिशिएंसी। 60 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 यूनिट। 80 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना, 3 यूनिट काम। ये हो गई इनकी कार्य कुशलता, एक दिन में कितना काम करते हैं। तीनों ने काम शुरू किया, परंतु ए ने कार्य को समाप्त होने से पहले, एक सेकंड, कार्य को समाप्त होने से पहले 11 दिन पहले, और बी ने कार्य को समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें कि ये पहले छोड़ दिया जाता है, हम कुछ नहीं करते, हम ये सोच लेते हैं कि भाई इन्होंने अगर पहले काम छोड़ा है, अगर ये इतना काम और एक्स्ट्रा कर दे
तो क्या होगा? देखिए ए के द्वारा 11 दिन में कितना काम किया जाएगा? अगर 11 दिन वो और काम करता है तो ए की एफिशिएंसी है 6 और 11 दिन उसने काम करवा देते हैं उससे हम, तो यानी कि 66 यूनिट का काम वो और करता, तो इसमें हम 66 यूनिट जोड़ देते हैं कि भाई अगर मान लेते हैं कि तू 11 दिन और काम करता तो 66 यूनिट और काम करता। इसी तरीके से बी से अगर बोला जाए तो बी ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो 8 दिन पहले अगर उसने काम छोड़ा तो 8 दिन और काम करता तो 4 की एफिशिएंसी से वो 32 यूनिट का काम एक्स्ट्रा करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 32 यूनिट्स भी जोड़ देते हैं। अब हम जब इनको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 6 4 10 3 13 हो गया, 2 और 1 3 13 हो गया, ठीक है। तो अगर ये लोग छोड़ते नहीं, एक्स्ट्रा काम करते, तो 338 यूनिट का काम जो है इन तीनों को करना पड़ता, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पूरा टाइम पूरा काम जो है कितने समय में तीनों मिलके करेंगे, है ना, इन हाउ मेनी डेज, सॉरी इन कितने दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा। तो अब सिंपली कुछ नहीं है, इस 338 को हम क्या कर देते हैं, तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, 6 4 10 3 13, ठीक है ना। तो 13 से ये कितनी बारी में चला गया, 2 26 बारी में चला जाएगा, और 13 6 78, तो ये कितना, 13 से 2 बारी में 26 हो गया ना, बचा 6 तो 78, तो 6 बारी में 78 हो गया। तो 26 दिन के अंदर तीनों ने मिलके ये काम कंप्लीट करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 दिन, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर पहले छोड़ दिया जाता है, जैसे ए ने 11 दिन पहले, बी ने 8 दिन पहले, तो हम उसमें उनके कामों को एक्स्ट्रा करवा देते हैं और जो टोटल काम आता है उसको अब हम डिवाइड कर देते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो निकाल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 186 माइनस 7 इंटू, तो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 63 में से अगर हम 39 को माइनस कर दें तो ये हमारा आ जाता है कितना, 24, है ना। तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, 24 प्लस इस 5 से ये 5 बारी में चला गया, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 186 और 28 14 15 16 168 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 5, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 23। तो 23 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। आसान क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। अगला देखते हैं। अगला ये कहता है कि 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर पर, अगर देखें तो 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत 3675 है, यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ मान लेते हैं 2x, ये यहाँ से दे दी, ब्रेथ दे दिए, सॉरी ब्रेथ है ये, और अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, 3, तो 3x हो गया, ठीक है ना। अब ये इतना एरिया आ गया, इस एरिया में हम 12.5 रुपये से गुणा कर देते हैं तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी, कुल लागत आ गई 3675, बस। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 से ये 5 बारी में चला गया, ठीक है, 25 से ये 1 बारी में चला जाएगा, ठीक है ना। और 25 से जब हम इसको कुल को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 बारी में इधर और 7 बारी में इधर आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये 5 से ये 2 बारी में चला गया, 2 से ये 2 बारी में, 3 से अगर हम देखें तो ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में 12, और 9 बारी में कितना हो गया ये 27। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 49, तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 7, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई देखिए इसकी थी 3, तो 3 × 7, तो 21 मीटर जो है रूम की लंबाई आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21 मीटर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दो संस्थाओं के बीच में रेल बस और हवाई किराया अनुपात दे रखा है। देखिए सबसे पहले रेल, फिर बस, फिर एयर का, ठीक है ना। ये 5:8 इनके फेयर का रेशियो दे दिया है। अब देखिए कि यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात जो दे दिया है 3 4 और 5 दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको गुणा कर ले तो ये 15 हो गया, 32 हो गया, और 12 5 60, ठीक है ना। तो ये अमाउंट आ जाएगा कि उस रेलवे, मतलब इनका अमाउंट क्या है टिकट का, इन्हें एक टिकट की अगर वैल्यू 5 है तो 3 पैसेंजर चले तो उसमें 15 रुपये यहाँ रेल से आ गए, इसी तरीके से बस से 32 और हवाई जहाज के उससे 60,
तो यहाँ पे ये कहता है कि टोटल फेयर है ना, एक यात्रा हेतु परिवहन ने इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया जो है ये कितना दे दिया, 1,07,000। ठीक है, तो यानी कि इस 15,3260 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम इसको जोड़ते हैं, 5, 2, 7 हो गया और ये 10, तो इस 107 की वैल्यू दे रखी है 107,000, 1,07,000। तो ये सीधा सीधा कितना है, 1,000 गुना। तो अब ये पूछता क्या है कि हवाई यात्रा से एकत्रित किराया किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 60 की वैल्यू निकालनी है, ये 60 की वैल्यू भी 1,000 गुना हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60,000। तो हवाई जहाज से जो पैसा आया है उसकी ज्ञात राशि क्या है, 60,000। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था, आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को जो है बच्चे डर के मारे छोड़ देते हैं कि पता नहीं कैसे निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत आसान था, तो इसको आपको नहीं छोड़ना, इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए आप इस सीरीज को देखिए क्या कहता है ये, 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर प्लस ऐसे जाते जाएंगे हम, और 42 स्क्वायर तक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पे कि सब जगह से अगर मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बच गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 3, 3 जा 9 होता है, प्लस ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे मैं ले लूँगा कितना हमारे को, 14 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए ये वही सीरीज आ गई जिसका वैल्यू हमको गिवन है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में 1015 दे रखी है। तो जब हम इसको करेंगे तो 45 4 13, तो 9135 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9135 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। अब थोड़ा सा अगर हो सकता है ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी थोड़े ट्रिकी आ जाते हैं जो एक बारी में आपको ना आए, लेकिन एग्जाम के अंदर अभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिएगा। एग्जामिनर इसके अंदर ज़्यादा फंसाने की कोशिश नहीं करता है, वो थोड़ा सा इधर उधर से घुमा के आपको आंसर बहुत आसानी से लाएगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा रखना है कि आप उस चीज़ को पकड़ सके। तो एग्जाम में इसको डायरेक्ट छोड़ने से पहले एक नज़र थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब देखिए कि ये कुछ नहीं है, इसमें तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ। इस ABC की साइड जो दे रखी है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो 28 है, और एक और ट्रायंगल है इक्विलेटरल जिसकी कितनी दे दी है साइड जो है PQR है। भुजा का इसका भुजाओं का माप जो है ज्ञात करना है। ठीक है ना, सब बराबर ही होता है, जिसमें कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड हो गया हमारे पास 28 × 28। ठीक है, ये इसके क्षेत्रफल के 16 गुना है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना है, यानी कि PQR का जो भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका एरिया जो है 16 times है किसके, ABC के एरिया का। तो देखिए इसका 16 गुना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर जो है, ए मान लेते हैं इसकी साइड है। ठीक है ना, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो √3/4 ए से चला गया। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वायर है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 16 है तो बाहर 4 आ जाता है, 4 × 4 = 16। अब यहाँ देखिए 7 × 28 होता है, यहाँ पे भी 7 × 28, तो देखिए 2 7 है तो 1 7 इधर से बाहर आ गया, 2 4 है तो 1 4 इधर से बाहर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 28, 28 और 4 को गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, और 28 और 4 को जब हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 112 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी, हमारी साइड हो जाएगी PQR इक्विलेटरल एक ट्राइंगल की। तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी, जो कि आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक ये दे रखा है आपको क्या, अच्छा ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि 4624 का स्क्वायर रूट आपको 68 दे रखा है। तो देखिए आप यहाँ पे अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है ना, कंप्लीट हो जाता है ये स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, ऊपर आपको 68 इसका स्क्वायर रूट दिया ही हुआ है, फिर ये हटाएंगे तो नीचे आ जाता है आपके पास 40। तो 40 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, नीचे 00, और इसका स्क्वायर रूट आपको 68 दिया ही हुआ है। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो देखिए 10 इधर से आएगा, 10 इधर से, 10 इधर से, तो यानी कि 3 0 बाहर आ जाएंगे और ऊपर का स्क्वायर रूट का आपको 68 दे ही रखा है। अब आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए हर को बराबर करने के लिए जो है यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ 10 ऊपर नीचे
से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे तीन जीरो करने के लिए दो जीरो ऊपर नीचे से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। आप देखिए सब जगह जो है हर हजार हो गया, ठीक है ना। अंश देखिए आप 6800 और 68, तो जब हम इसको कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे तो वैसे सब जगह जो है अलग अलग दे दिया है, तो थोड़ा ऐड करके भी हम देख लेंगे। 8 6 14 हो गया, 8 6 14 और 1 15, 6 और 1 7, तो 7548 हो जाएगा इसका सम, ठीक है ना। अब नीचे तीन जीरो है तो तीन डिजिट से पहले हम इसमें एक पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 7.548 इसका आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.548, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वैसे अगर आप चाहते हो तो इसका ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सब जगह तीन डिजिट पहले ही आपको पॉइंट लगाया हुआ है, तो थोड़ा सम करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्शन के अंदर राणा और रणवीर के बीच में एक चुनाव हुआ, ठीक है ना। देखिए मान लेते हैं क्या कि जो कुल मतों की संख्या है वो 100 मान लेते हैं, ठीक है। एक जगह राणा है और एक जगह क्या दे दिया है हमको रणवीर, ठीक है। राणा को 40% वोट मिले और रणवीर को जो है 60% वोट मिले होंगे, तो 100 का 40% 40 और 60% 60, तो देखिए ये जो अंतर आया है 20, इसी से क्या हुआ राणा हार गया, और इसी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 60,000, जो कि सीधा सीधा 3,000 गुना है, ठीक है ना। कितना गुना है 3,000 गुना, ठीक है। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या पूछता है कि नंबर ऑफ वोट ऑफ पोल्ड रणवीर, तो रणवीर को कितने वोट मिले, तो एक की वैल्यू 3,000 गुना है, ठीक है। तो हमको निकालनी कितनी है 60 की वैल्यू, तो 6 3 18, तो 18 वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 1840, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान, ठीक है ना, 25 मीटर ऊंची एक चट्टान दे रखी है हमको, और के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है। देखिए एक ये ना यहाँ पे आपको ये क्लिफ दे रखी है 25 मीटर की, ठीक है। यहाँ से एक आपको टावर दे दिया गया है, ठीक है, टावर है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इसकी चोटी को देखने का, ये थीटा, ये बराबर हो जाता है जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का देखेंगे, तो ठीक है ना, ये थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये ऐसे समान कोण पे खड़े हैं, समान समतल सरफेस पे खड़े हैं। तो अब ये हाइट पूछ रहा है किसकी, इस टावर की, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये 25 है तो ये 25 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल थीटा, ये 90, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा दोनों ट्राइंगल का, तो दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएंगे। ये 25 है तो ये भी 25 हो गया, तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी 50, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना, सीधा 2 times हो जाता है इसका, डबल हो जाता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन है जो कि बेंगलोर से रेलवे स्टेशन से निकलती है। देखिए ये दो स्टेशन दे दिए हैं यहाँ पे, ये बेंगलोर हो गया, ये मुंबई हो गया। तो बेंगलोर से एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक ट्रेन निकलती है, एक घंटे के बाद मान लेते हैं क्या कि वो ट्रेन यहाँ आके यहाँ कहीं होती है, ये वाली ट्रेन। अब इस एक घंटे के बाद यहीं से एक ट्रेन निकलती है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं क्या कि सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को कितने टाइम के बाद मीट करेगी। अब देखिए एक घंटे बाद चल रही है, तो एक घंटे में इस वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्या होगा 80 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ही जो है ये दोनों ट्रेन रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगी। अब जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, तो अगर 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो बचेगा 20, टी टाइम में ये मिलेंगे, तो 20 से ये 4 बारी में चला गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 4 घंटे के बाद सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन से मिलेगी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 आवर्स के बाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ये कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का आपको पता होना चाहिए। जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है तो स्पीड जो है इनकी रिलेटिव स्पीड में प्लस हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक रेशियो का क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है
रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए और बी का रेशियो आपको 15:16 दे दिया है, बी और सी का रेशियो आपको 8:25, सी और डी का रेशियो 20:9 दे रखा है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, ये ऐसे निकालते हैं, जो आगे टर्म लिखी होती है उसी को हम आगे लिखते रहते हैं। अब यहाँ 16 लिखा है तो यहाँ पे भी हम 16 लिख देंगे, यहाँ 25 लिखा है तो हम यहाँ पे भी 25 लिख देंगे। यहाँ पे ए अनुपात डी पूछ रहा है, तो ए अनुपात डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं, 20 × 8 × 15 ये अनुपात हो जाएगा 16 × 25 × 9 से, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, ये अगर हम देखें 5 से 5 बारी में 5 से 4 बारी में, ठीक है ना, और 8 से ये 2 बारी में 2 से ये 2 बारी में, 5 से ये 3 बारी में 3 से ये 3 बारी में, तो बच क्या गया, 2:3। तो ए अनुपात डी जो है 2:3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 है इसका सही उत्तर, ठीक है ना। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को, देखिए ए बी और सी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, वहीं पे बी सी और डी उस कार्य को 10 दिन में करते हैं, सी डी और ए उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। अब उसके बाद कहता है डी ए और बी जो है उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। तो सबसे पहले तो कार्य निकालिए इनका एलसीएम लेके, इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो 30 आता है, 30 यूनिट टोटल वर्क इसको हमने मान लिया। तो इनकी एफिशिएंसी अगर देखिए कार्य कुशलता, तो 5 दिन में अगर पूरा काम करते हैं, 1 दिन में 6, ये 3 करेंगे, ये 2 करेंगे, ये 1 यूनिट करेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे इन सबको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 3 बार आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार ए आएगा, 3 बार बी आएगा, 3 बार सी आएगा, 3 बार डी आएगा, तो ये तीनों। अब 1 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 6 3 9 1 10 और 1 2 12, ठीक है, तो ये 3 से कितनी बारी में चला गया, 4, तो यानी कि ए बी सी डी 1 दिन में मिलके 4 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 30 यूनिट का काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 30 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये 15/2 हो जाता है, जिसको हम 7.5 कहते हैं, 7 सही 1/2 दिन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 सही 1/2 दिन में। तो ये थे 30 के 30 क्वेश्चन, जो कि हमने लक्ष्य रखा है अपना कि हम पूरे 30 के 30 क्वेश्चन सही करेंगे, वो भी विद लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से, एकदम कम से कम टाइम में। समझाने में आपको इतना टाइम लगता है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगली बार आपके एग्जाम में आए तो उनको आप कम से कम टाइम में करेंगे, और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप इस मॉक को देख के अपने दूसरे मॉक दें, दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अगर अभी तक के सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे रोजगार एक्सप्रेस से सफर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।